हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों लुसेंट जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के साथ दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे जो पुराना फुटबॉल क्लब है मोहन बागान की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो 1889 ईस्वी को हुई थी दोस्तों मोहन बागान की शुरुआत, जो कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेन रहीन रेखा रूस और फिनलैंड को विभाजित करती है दोस्तों। तो कौन सी रेखा दोस्तों रूस और फिनलैंड को विभाजित करती है दोस्तों? मेन रहीन रेखा रूस और फिनलैंड को विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अकबर का अभिषेक कितने वर्ष की आयु में हुआ था दोस्तों और कहाँ पर हुआ था दोस्तों? कालानोर में हुआ था दोस्तों। और 13 वर्ष 6 माह की आयु में अकबर का अभिषेक हुआ था दोस्तों और कालानोर के अंदर हुआ था दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम बात करें तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी दोस्तों। और कब की थी दोस्तों? 1916 ईस्वी में की थी दोस्तों। और अब इन्हें 2015 के अंदर मरने के बाद में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये होता है कि दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी दोस्तों। और कब की थी दोस्तों? सेकंड क्वेश्चन, 1916 ईस्वी में की थी दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, इन्हें कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो इन्हें मरणोपरांत 2015 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मधुबनी कला का संबंध दोस्तों बिहार से है दोस्तों और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है दोस्तों और वह है वहाँ के राज्यपाल सत्य मलिक है दोस्तों। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं दोस्तों। मधुबनी कला का संबंध कहाँ से है दोस्तों? तो बिहार से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन तैयार हो जाता है दोस्तों, वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो सत्यपाल मलिक है दोस्तों, वहाँ के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला वाणिज्य बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? गुरुग्राम के अंदर दोस्तों, जिसने सबसे पहले प्रीपेड कार्ड जारी किए थे दोस्तों। और इस वाणिज्य बैंक का नाम है दोस्तों ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई ने ब्रज भाषा में पृथ्वीराज रासो को लिखा था और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो का दरबारी था। चंद्रबरदाई कौन था दोस्तों? पृथ्वीराज रासो का दरबारी था दोस्तों। और चंद्रबरदाई ने ब्रज भाषा में पृथ्वीराज रासो लिखा था, मतलब अपने जो राजा थे शासक थे उनका जो ग्रंथ लिखा था वो लिखा था पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा था दोस्तों? चंद्रबरदाई ने। और चंद्रबरदाई कौन था दोस्तों? पृथ्वीराज रासो का दरबारी था दोस्तों। और किस भाषा में लिखा था दोस्तों? ब्रज भाषा में लिखा था दोस्तों। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा दोस्तों? चंद्रबरदाई ने। सेकंड क्वेश्चन, कौन सी भाषा में लिखा दोस्तों? तो ब्रज भाषा में लिखा है। यहाँ से थर्ड क्वेश्चन तैयार हो जाता है दोस्तों, तो ये किसका दरबारी था दोस्तों? तो ये पृथ्वीराज चौहान का दरबारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अक्षांश का अंतर कितना होता है दोस्तों? 47 अंश होता है दोस्तों। यानी कि जो कर्क रेखा होती है और मकर रेखा होती है दोनों के बीच में अक्षांश का जो अंतर होता है वो होता है 47 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्रिकेट मैच में का भारत पर टीवी पर प्रसारण कब शुरू हुआ? तो 1966 ईस्वी में दिल्ली से प्रारंभ हुआ दोस्तों क्रिकेट मैच का टीवी पर सीधा प्रसारण। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किसने की दोस्तों? तो पिंगली वेंकैया ने की थी दोस्तों राष्ट्र ध्वज की शुरुआत। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अंत में जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।